रामपुर गांव में मोतीलाल चिक्की वाला अपने दो जुड़वा बेटे राम और श्याम के साथ रहता था। मोतीलाल के हाथों बनी चिक्की आसपास के गांव में मशहूर थी। मोतीलाल के स्वर्गवास के बाद राम और श्याम ने चिक्की बेचने का काम जारी रखा था। ले लो चिक्की, ले लो सींग की, ले लो चने की, ले लो चाचा चाची मामा मामी, दौड़ के आओ सारे अभी, चिक्की के गुण गाओ सभी, ले लो चिक्की ले लो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और अब वो अलग अलग अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगते हैं। मोतीलाल के गुजर जाने के बाद राम और श्याम के अलावा गांव में कुछ और विक्रेताओं ने भी चिक्की बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से अब राम और श्याम का धंधा मंदी में चल रहा था। श्याम, अब मैं शहर जाके अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैं यही संतुष्ट हूँ। हमारे गाँव का जमनलाल दुकानदार होलसेल में मेरी चिक्की ले रहा है। राम सोच में पड़ता है। वो लेगा ही, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बाबूजी के हाथ का स्वाद है। लेकिन अगर तुम शहर चलो तो बहुत तरक्की कर सकते हो। राम की बात शाम के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। वो अपनी ठीक ठाक चल रही जिंदगी से खुश था, अपने अंदर की क्षमता और हुनर को अनदेखा कर रहा था। राम के बार बार समझाने के बाद भी शाम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भैया, मुझे नहीं शहर जाना, मुझे वहाँ की भीड़ से, वहाँ के लोगों से डर लगता है। यहाँ गाँव में सब अपने लगते हैं, सुरक्षित लगता है। ये सब तुम्हारे दिमाग की अंधी सोच है। देखो, मैं एक साल से शहर में चिक्की का बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरी वहाँ छोटी सी खुद की दुकान भी है। ये सब गांव में रह के मुमकिन नहीं होता। वो सब ठीक है राम भैया, लेकिन मैं यही ठीक हूँ। शाम का जवाब सुन के राम निराश हो जाता है। क्या सोच रहे हो जी? मैं मेरे भाई का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बात वो समझ ही नहीं रहा। मेरे पास इसका हल है, सुनिए। राम की पत्नी जानकी राम को एक तरकीब बताती है। उसका सुझाव सुनके राम की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन अचानक जमनलाल व्यापारी शाम के घर आता है। अरे सेठ जी, आप? शाम, अब मैं तुमसे चिक्की नहीं खरीद पाऊंगा। जमनलाल की बात सुनके शाम चौंक जाता है। लेकिन क्यों सेठ जी? क्योंकि मुझे आधे भाव में चिक्कियां मिल रही है और स्वाद लगभग तुम्हारी चिक्की जैसा ही है। जमनलाल की बात सुनके शाम और उसकी पत्नी को झटका लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको आधे भाव में चिक्कियां कौन दे रहा है? तुम्हारा भाई राम। जमनलाल के मुंह से राम का नाम सुनते ही श्याम दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी कावेरी उसका धीरज बढ़ाती है। पता नहीं राम भैया ने ऐसा क्यों किया, उनका तो सब अच्छा चल रहा है। श्याम का दुख अब गुस्से में परिवर्तित होता है, लेकिन कावेरी उसे शांत करती है। आप शांत हो जाइए, गुस्सा होने से हमारी मुश्किल नहीं सुलझेगी। लेकिन अब सिर्फ गाँव भटक के चिक्की बेचना काफी नहीं होगा, हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। हाँ, अब आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी और शहर जाकर चिक्की का व्यापार करने की कोशिश करनी होगी। दूसरे दिन शाम शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपने भाई राम पर काफी गुस्सा है। राम भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, मेरा बना बनाया धंधा चौपट कर दिया है। अब जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूंगा मैं। हाँ, मैं भी अब जानकी दीदी से बात नहीं करूंगी। आप अपना ख्याल रखना। शाम शहर आता है, एक भाड़े के मकान में रहता है और वहीं से चिक्की बनाने का काम शुरू करता है। चिक्की तो बना ली, अब इसे बेचूं कैसे? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। खैर, अब शहर आया ही हूँ तो कुछ बना के ही गाँव जाऊंगा। अब शाम की असली कसौटी शुरू होती है। चिक्की बेचने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो शहर की छोटी मोटी दुकानों में अपनी चिक्की बेचने की कोशिश करता है। सेठ जी, आप चखे तो देखिए, बहुत बढ़िया चिक्की है। अरे नहीं भाई, यह शहर में सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ऐसी घर पर हाथ से बनी चिक्की कोई नहीं खाएगा। कोई भी दुकानदार उसकी चिक्की अपने दुकान में रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर शाम एक स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाता है। ले लो बच्चों, चिक्की ले लो, मीठी स्वादिष्ट चिक्की ले लो। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां आते हैं और सभी फेरी वालों को वहां से हटा देते हैं। शाम नाराज हो जाता है। शाम अपनी ही सोच में घर पर बैठा है। उसने बनाई ढेर सारी चिक्कियों पर उसकी नजर जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, राम भैया को दिखा दूंगा, मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। दूसरे दिन शाम शहर की सड़कों पर चिक्की बेचने निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी चिक्की नहीं खरीदता। तभी रास्ते में एक आलीशान गाड़ी शाम के पास आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा शख्स शाम से एक चिक्की खरीदता है। सुनो, एक पैकेट चिक्की देना। उस अमीर आदमी को शाम की चिक्की बेहद पसंद आती है। बहुत बढ़िया चिक्की है, क्या तुम मेरे स्कूल के बच्चों के लिए चिक्की बना सकते हो? रोज
कम से कम 100 किलो तो लगेगी। उस आदमी के मुंह से 100 किलो सुनते ही शाम चकरा जाता है। ये लो 25,000, आज से ही काम शुरू करो। शाम की बोलती बंद हो जाती है। जी सेठ जी। दिन गुजरते हैं, शाम की आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसने एक बड़ा सा मकान भी लिया है, घर के बाजू में ही चिक्की बनाने का छोटा सा कारखाना भी डाला है। अब कावेरी भी उसका हाथ बटाने शहर आई है, दोनों बहुत खुश है। भगवान और पिताजी के आशीर्वाद से ही हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन राम भैया ने दिया हुआ जख्म अभी भी ताजा है, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक दिन अचानक राम और जानकी शाम के घर आते हैं। उन्हें देख के श्याम और कावेरी का मुंह कड़वा हो जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बधाई देने श्याम, बहुत अच्छी तरक्की की है तुमने। हाँ, आप ही की कृपा है। अब चले जाइए यहाँ से और फिर कभी भी आपका मुंह मत दिखाना। श्याम की कड़वाहट भरी बातें सुन के राम दुखी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी, आप इनकी ही कृपा से आपने इतनी तरक्की की है। जानकी की बात सुन के श्याम और कावेरी अचरज में पड़ते हैं। आप कहना क्या चाहती है भाभी? कावेरी, बदलाव किसी को नहीं भाता, हम जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपनी अंदरूनी प्रतिभा और क्षमता को अनदेखा करते हैं। हम सब किसी न किसी आधार की वजह से विकलांग हो जाते हैं। राम की बात सुन के श्याम और कावेरी उलझन में पड़ते हैं। और जब तक हमें उस आधार और सोच से अलग ना किया जाए, तब तक हम आगे बढ़ने की ना ही सोचते हैं और ना ही हिम्मत जुटाते हैं। इसका मतलब अपने जानबूझ के जमनलाल को कम दाम में चिक्कियां बेची थी? बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि देवर जी को जमनलाल के आधार की आदत हो गई थी, उन्हीं चिक्कियां बेच के वे संतुष्ट रहते थे। और जमनलाल उन चिक्कियों को शहर में तिगुने दाम में बेच के मुनाफा कमा रहा था। शाम को अपनी गलती का एहसास होता है। भैया मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं शाम, मुझे खुशी है कि तुमने आज इतनी तरक्की की है। भैया, लेकिन ये जमनलाल को आधे दाम में चिक्की बेचने की कल्पना किसकी थी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे भाभी की। हाय दैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है, बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता। और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाए। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं। गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है, धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाह बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे, बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा, बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी, बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं
और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते है। मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है, जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं, तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या, हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़े मिट्टी से बाहर उखड़ आई है, ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहां पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है, आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ ना कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना ना कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले, तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण, ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुनके किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियाँ मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा, लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए?
दीदी, उस जेलेसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था, मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना, चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना, आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर, मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है, आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों, तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पाँव कांपने लगे, और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो, तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिसके मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो, अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊ? हाँ हाँ क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया, इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड, चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है, तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है, आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर, बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना।
दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, दो दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है, वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओ, बहुत ही शानदार घर बनाया है, लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नई लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है, बड़ा कंजूस इंसान है, चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है, जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा, क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय, इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों, बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूँ। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी, अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है, ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजय, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहा इस बिल्ली में इंटरेस्ट है, मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीदी ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा, बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे, मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने।